वही वाली मम्मी जी हैं जो बोली थी कि नंगे चुंडे हैं, जो बोली थी कि लेगिंग्स भी नहीं पहनना, ढीले ढाले सलवार सूट। हाय दैया दैया, बिखर गया तो सारी की सारी लैया। मम्मी जी का गेटअप बना लो भैया हैं। चलो ठीक है, अगर तुम वहाँ कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पहना जाता है हैं, तुम्हारे यहाँ तो आचार विचार सभ्यता संस्कार दूसरे थे। यू का चुका कौन सा प्रकार देखा आपने? ये झूठ की दीवानी का कर रही भाई साहब, मतलब का कर रही है का। बग्गा तुमसे कहे थे ना टिकट कराओ, मम्मी को जल्दी से ले जाओ, लेकिन तुमने नहीं सुना। नयकी नयकी रिश्तेदारी का असर पड़ेगा दर्शकों, आप बताओ। नहीं, जो कंफर्टेबल है, जहाँ पहना जाता है, जहाँ की कल्चर सभ्यता है, सब कुछ है, ठीक है। पर भाई वो तो कहते हैं ना कि बगुला चला हंस की चाल, मतलब भाई का ही बताएं। इनके सबके विचार बुद्धिजीवी समाज का अब का होगा भाई साहब हैं। और जो नयका नयका समाज भी नयका नयका रिश्तेदारी जुड़ी है, वो देखेंगे तो उनके हालात बिगड़ जाएंगे, जज्बात बिगड़ जाएंगे, इनका देख के उनके ख्यालात बिगड़ जाएंगे। मम्मी जी तुसी का कर रहे हो, हमेशा से पहनी होती कौनो बात नहीं, यही आपका कल्चर होता कौनो बात नहीं, लेकिन ये जो खरबूजा खरबूजा का देख कर रंग बदला है। अरे ससुर भाई, यहाँ खरबूजा खरबूजा को देख के रंग भी नहीं बदला है, यहाँ पे तो भैया रंग बदलावा गवा है कि ना। तुम बदलो मम्मी जी बदलो, और रंग बदले से कोई फायदा इतना तुम साम दाम दंड भेद सब अपनाए रही हो, बदले में का कुछ भी नहीं हो पा रहा भाई है? कुछ फायदा होता तुमको तो चलो मान लेते कि चलो ठीक है, झूठ की दीवानी फायदा हो रहा है भाई। मुश्किल से 15 से हुई के तुम 20 से 22 के बीच में रह गई हो, 20 22 20 22, इससे ज़्यादा तुम्हारी रीच तक नहीं जा रही है। इतना सब कुछ करे के बाद देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। झूठ की दीवानी, अब मत करो अपनी मैयों का अपमान, दोनों मम्मियों का अपमान भाई। ससुर जी हमें लगा था कल का आज टिकट कराए बुला लेंगे, वो तो नोना जिज्जा कहीं यू। अच्छा अच्छा अच्छा, दर्शकों समझ में आवा, असल में यू सारा का सारा करामात जो है नोना जिज्जा का है। अब नोना जिज्जा के होते हुए ऐसा अगर हो रहा है, दैट मीन्स नोना जिज्जा की पूरी हामी है। दर्शकों आपको विगत कुछ दिन पहले ले चलते हैं, मतलब कुछ महीने या साल पहले, जो नए होंगे उनको नहीं पता होगा। जब ये IIT कानपुर में रहते थे तो नोना जिज्जा इनसे बोले एक दिन, झूठ की दीवानी ने कहा कि आज हमको वन पीस पहनना है। उन्होंने जिजा ने कहा देख पहनना है तो पहन लेना, लेकिन ना मेरे से दूर चलना, मेरे साथ मत चलना और अलग ही रहना, तुझे जीना जिस तरीके से जीना है जी, जो कपड़े पहनना पहन, लेकिन मेरे से अलग चलना। नोना जिजा के विचार थे, ये बतावा कौन था? ये झूठ की दीवानी ने अपने मुंह से बतावा था। फिर नोना जिजा के ऐसे हालात जज्बात और ख्यालात बिगड़े कि आज देख लो आज भाई मम्मी जी, ओ माय गॉड, आने वाले टाइम में अगर मम्मी जी को हम किसी और ड्रेस में देख लें तो कोई ताजुब की बात नहीं होगी। नीना गुप्ता को आप लोग जानते हैं, बॉलीवुड की पुरानी हीरोइन है। कभी कभी वो आ जाती हैं, जो मीडिया वाले मीडिया कर्मी नहीं होते हैं, कहीं एयरपोर्ट पे कहीं कहीं पर भी खड़े रहते हैं, कभी कभी ऐसे कपड़न में आ जाते हैं कि लोग ना दांतों तले उंगली चबा जाते हैं। वैसे कुछ आजकल मम्मी के हालात जज्बात ख्यालात दिख रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस नौटंकी ड्रामा के अगली सीरीज में। देखो कल भी आपसे बात हुई थी और मैंने कहा था कि नेक्स्ट का होगा, इका इंतज़ार रहेगा और पक्का कुछ अलग होगा, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा था, दीदी कंटेंट लेके आई है और सबको पता इन्हीं मम्मियों से विगत कई सालों से न जाने कैसी कैसे बातें बुलवाई के का कंट्रोवर्सी करवाई है और लाखों डॉलर बनाई है, तो वो जो दो कंटेंट लेके आई उसका यूज ना करे ऐसा हो नहीं सकता। मम्मी जी की सुबह होती है, पहले झूठ की दीवानी बोलती हैं गुड मॉर्निंग फलान ढमक, उसके बाद कैमरा मम्मी जी के मुंह पे लगता है। मम्मी जी भी अपना वार्तालाप करती हैं कि भैया सुबह 6 बजे उठ गए थे लेकिन आज थोड़ा सा दर्द है, ये दर्द काहे समझ में नहीं आ रहा, कहा हमने कुछ ऐसा वैसा खा लिया है। भाई 1-2 बजे सब सोते हैं और 6 बजे मम्मी जी को उठा दिया जाता है। बच्चे और बुजुर्ग की नींद कहते हैं कि कम से कम 8-9 घंटे पूरी करनी चाहिए, 1 बजे सोना, ऊपर से डाइट, वाह जी वाह।
ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाई जा रही हैं कि भाई साहब इनके यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ना जाने कहाँ कहाँ दर्द होगा, और फिर जल्दी उठा लेना। इन सब चीज़ों से बेफिक्र हो के अगर कोई सो रहा है तो सासू अम्मा कह रही भाई मुझे सोने तो जब हमारा मन होगा तभी नौटेंगे, तुम लोगों का जो करना है सुबह 6 बजे 4 बजे जाके नौटंकी ड्रामा अपना सिनेमा मतलब कैमरा लगा के वहीं बकवास करो। फाइनली वहाँ पर भी पहुँच जाती है कि मम्मी जी अब तक तुम उठिन जाओ। फिर मम्मी जी बोलती पता नहीं भाई काहे इतना ज़्यादा चैन सुकून वाली नींद आ जाती है, आजकल यहाँ पर बहुत ही नींद आती है। वाह जी वाह, ये सारा मामला बैठाया जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं खाने पीने के, 3-4 चाय के बाद, घूमने उमने जाने के बाद, और फिर जो रंगारंग महफिल लगती है भाई साहब, वहाँ पर झूठ की दीवानी टॉपिक ले आती हैं कुछ कंट्रोवर्शियल। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी बातें करेंगे तभी तो जनता जनार्दन और रिएक्शन वाले और लाइव वाले खुल के इस पर विचार व्यक्त करेंगे, और जब विचार व्यक्त करेंगे तो फिर झूठ की दीवानी के चैनल की रीच बढ़ ही जानी है, क्योंकि भाई तमाम लोग भागे भागे जाएंगे देखने। तो जी मम्मी जी से बुलवाया जाता है, पूछा जाता है कि भाई मम्मी जी बताओ आज आप जिनकी नई नई शादी हुई हो तो सास को का कोई तुम एडवाइस देना चाहोगी, या फिर एक सास को कैसे पेश आना चाहिए इस बारे में कुछ वार्तालाप करो, पूछ रही थी अपनी सासू अम्मा से। एकदम से बिफर पड़ी उनकी अम्मी हैं कि ना 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 ना, आज के टाइम पे तो बस अपने मुंह पे ना भैया टेप लगा लो, एकदम चुप बैठो, जो हो रहा है वो होने दो, तभी से तुम्हारा वहाँ गुजारा है और तभी से सब कुछ ऐसा हो पाएगा। मतलब मम्मी जी के अंदर ऐसे भड़ास भरी थी दर्शकों, ऐसा लग रहा था कि आप बेटी सुना रही का बग्गा मुँह पे लगाए बैठवाए देता है कि मम्मी जी देखो कुछ हो ना कहना है। बार बार भाई झूठ की दीवानी उसमें सफाई नामा लगा रही थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना, आज की जनरेशन बुरी है ना आप लोगों वाली बुरी है, मतलब दोनों जनरेशन अपनी अपनी जगह पे सही है पर जनरेशन गैप है। अब जैसे हम लोगों ने तो कम देखा है पर आप मम्मी जी आप इतने सालों से देख रही हैं बहू बेटी न जाने कौन कौन से रिश्ते, आप बताइए। मतलब अपनी सासू माँ को ऐसे बोल रहे थे कि जैसे मम्मा जी हड़प्पा की संस्कृति से निकली खुदाई माँ, भाई उन्होंने बहुत कुछ देख डाला और इन्होंने कुछ देखा भाई नहीं करा। वैसे जिज्जी अब तुम्हारे साथ की तुम्हारी हम उम्र की एक मिल गई है महिला, वही अपने बग्गा की सासू अम्मा तुम्हारे उम्र के आसपास हैं, वो 44 के हैं तुम्हार भाई भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल का या 5 साल का गैप गैप होगा जो होगा। तो भाई आपके उस लेवल पे वो सही बैठती हैं, मतलब जो आप बोल रहे थे जनरेशन गैप, तो वहाँ से आपका कोई गैप नहीं होगा है ना बहने बहने। खैर मुद्दे पे आते हैं, खैर ये तो उम्र का चलता रहता है, हमारे जिज्जी की उम्र कबो 30 कबो 31 कबो 34 तो कबो कबो भैया 41 कबो 40 चले करती है, इसमें ना कोनो दो राय नहीं है भाई। दर्शकों जब मम्मी बोल रही थी कि चुप बिल्कुल चुप, फेव स्टिक लगाओ बिल्कुल चुप, चाहे घी का घड़ा फूट जाए चाहे दूध की मलिया टूट जाए लेकिन बिल्कुल चुप, जुबान ना खोलो फिर ना इसी में भलाई है। भाई साहब ऐसे मतलब जो निकला है फूटा है दर्द, मतलब आप तो इतनी अच्छी मदर इन लॉ बन रही थी, अभी तो सालों भर नहीं हुआ इतनी जल्दी आपका ये जो निकला है ना गुब्बार भाई का, मतलब हम समझे कुछ बात बन नहीं पा रही है या फिर भाई साहब आपने बस ये लगाए के बैठा है या फिर आपके बेटे के द्वारा बिठाया गया है। भाई आप समझ जाइए दर्शकों कि विगत दिनों से विगत महीनों से जो ये तारीफों के पुल बांध रही थी ना वो सब नकली ड्रामे थे, चोचले थे, असली भड़ास आज देखो कैसे व्यक्त हुई है। जज्बात ऐसे जज्बात व्यक्त कराए जाते थे अपने कागजी जिज्जा जी के लिए, कागजी जिज्जा और इनकी बहन के रिश्ते के लिए, वहाँ पर लेन देन के लिए, और न जाने कितनी बातों में ऐसे इंटरव्यू लिए जाते थे जैसे आज इन मम्मियों को बिठाया गया है। अगर आप में से कोई पुराना देख रहा होगा तो कमेंट करके बताना, ऐसे मम्मी जी के आगे सामने माइक लिया जाता था और बोला जाता था मम्मी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आज फिर से वही इंटरव्यू शुरू हो गया है भाभी जी के इनके आते हैं, क्यों अब फिर से इनको रंग बिखेरने, फिर से इनको वही गेम खेलने, याद आ गया कि वही टाइम चल रहा है। भाई उधर उनकी सासू अम्मा बोल भी नहीं पाए, इधर इन्होंने जो जज्बात व्यक्त करें जिन तरीके से व्यक्त करें लग रहा था कि मम्मी जी के ना कोई दुखती रग पे हाथ रख दिया गया। आपको कैसा फील हुआ जब मम्मी एकदम भड़क के बोली कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। अरे आज का आपका ये टास्क है भाई, भाई हद तो तब हो गई जब बार बार
झूठ की दीवानी घुसी पड़ी थी कि दो पंक्तियों में अब क्या बोलना चाहोगे, तो भाई उन्होंने बोल दिया इनके सास ने कि भाई बस यही बात है कि चुप रहो। फिर अपनी अम्मा की तरफ, मम्मी आप क्या बोलना चाहोगे? मम्मी जी ने सीधे व्यक्त कर दिया, चलो अब सीधे तीर निशाने पे मार देते हैं, इधर उधर लगाए के इनको उनको एग्जाम्पल दे के ना बोले। मम्मी जी ने बोला कि देखो जैसे हम घर जाएंगे बस फेविस्टिक लगा के चुपचाप बैठ जाएंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, सब कुछ रहेंगे, बस देखते रहेंगे, चाहे इधर कुछ हुए चाहे ना हुए, हमको कुछ लेना देना नहीं, बस जो चल रहा हम देखते रहेंगे। भाई इतना महीनन में इतना का होगा, अब तो चूल्हे का साग है और न जाने कौन कौन सी रोटी वोटी खिलाने वाली थी। अभी तो भाई साहब जुम्मे जुम्मे कुछ महीने हुए हैं, अब ऐसे आपके जज्बात व्यक्त होंगे ये अच्छी चीज़ नहीं है। वहाँ तक जैसा कि सबको पता है इनके सारे रिश्तेदार और उधर के भी रिश्तेदार दुपट्टा के सब इनके ब्लॉगिंग देखते हैं, इनकी मम्मी दुपट्टा की मम्मी बहुत दिनों से इन सबको देखते आई हैं। तो भाई कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर ही थे। दुपट्टा का प्रेम प्रसंग लव स्टोरी जब आएगा तब पता चलेगा, खैर वो तो खाली टाइम की बात है। पर ये जो मम्मी जी के विचार हैं और जो ये बड़कन्नी जी के सवाल हैं वो वहाँ तक जाएं तो कौन सा असर होगा? का बग्गा का कॉल मम्मी जी के पास आया होगा ये सब नौटंकी ड्रामा देखे एक बार? का छुटकन्नी ने इनको फ़ोन लगाया होगा, कुछ समझाया होगा कि मम्मी जी और दीदी जी हैं का आपका अभी दिल नहीं भरा, मतलब आपने जो हमारी ज़िंदगी के साथ खेला उसमें कुछ कमी रह गई जो आप इसकी इन दोनों की जिंदगानी से भी खेलना चाहती हैं? खैर छुटकन्नी के पास अगर इतना होता सेंस है ना तो आज वो कहानी कुछ और होती। अगर उसने अपनी जिंदगानी में इन सबको इंटरफेरेंस करने का हक नहीं दिया होता 99% आज ना वो अपनी अलग ज़िंदगी जी रही होती और ये झूठ की दीवानी आज भी ना खुन्नस खाए के बस इंटरनेट खेल रही होती। बोलती है ना कि आपको इंटरनेट लड़ना है, तो हमारे पास भी इंटरनेट, हमने नहीं कहा था कि तुम फ़ोन कर कर अपनी घर की बातें हमें बताओ फलान ढमाक? याद है ना वो इनकी क्लिप जो इन्होंने बोली थी, सेम गाड़ी भी लेना, सेम कुर्ते भी पहनना, सेम स्टाइल मारना। खैर इन्होंने तो का ड्रामे करे हैं। उसके बाद भाई ये सब नौटंकी ड्रामे करने के बाद अब जब मम्मियों का भाई वो आता है कि जो तू खा रही वो मुझे भी खिला, एकदम से नईका टी शर्ट जो झूठ की दीवानी की ही थी, कुछ ढीले ढाले ओवर साइज वाले और कुछ ऐसे, दोनों मम्मियों को पहना बिठाया जाता है। उसके बाद मॉर्निंग वॉक का सीधे दिख जाता है या इवनिंग वॉक का, जो क्योंकि देखिए तीन चार ही काम है आजकल इनके पास, दूसरों को टीका टिप्पणी करना मतलब कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट बोलना, और खाना मतलब वही जो भी उबला उबला वाला, और इनको घुमाने ले जाना और मम्मियों का बस कुछ कंटेंट बना लेना। तो झूठ की दीवानी आजकल बस यही काम कर रही है, बाकी कुछ नहीं लेन देन है इन सारी चीज़ों का। तो अब बग्गी से आहत हुई माँ वाकई में नाराज होकर इधर आई थी, आज इस चीज़ का पता चल गया है, मम्मी का जो फूटा है जो अंदर का गुब्बार निकला है ये पूरी तरीके से स्पष्ट करता है कि जी हाँ वाकई में मम्मी जी रिसियाए के आई थी कि ठीक है लेकिन बग्गो कम नहीं, हम घर में ताला लगा देंगे, हम दोनों चले जाएंगे, अगर बग्गा और उसकी छोटी इंडिपेंडेंट बहनियाँ दोनों साथ हो गए तो झूठ की दीवानी अब अकेली हो जाएंगी। मम्मी को अपनी टीम में कर लिया है क्योंकि मम्मी के हाथ बहुत कुछ है अभी, बहुत कुछ है। तो का मम्मी जी के ख्यालात बदल करके बग्गा और उसकी बहनियाँ को बेदखल करा देंगे? आने वाले टाइम में और काका नौटंकी ड्रामा होगा, बस देखते रहिए। अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये छोटा बिग बॉस हाउस है भाई साहब, अब देखो इसमें का होता है। चलिए अभी के लिए इतना ही। हाँ नए हो, अगर आप यहाँ पर नए हो तो कर लो सब्सक्राइब, जाने से पहले थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए एक लाइक करके जाना, और हाँ अपने मनोभाव यहाँ पर उचित शब्दों में, कोई अपशब्द मत यूज़ करना जो कि हम लिखा रहने दे। अगर आप टरो वाले हो तो भी आपका हार्दिक अभिनंदन है, आप कोई भी हो अपनी बात को लिखना है तो बढ़िया आराम से लिखो। चलो जी टाटा बाय बाय।